morning, students. How are you? Today I will explain a new chapter. Chapter number 9, adverbs. So, what is the name of the chapter? Adverbs. You have already learned about this chapter in your previous class, means in standard 3rd. Standard 3rd mein aapne uske bare mein padha hua hai already. But this year also you have to learn it with new addition. कुछ नया ऐड करके आपको उसमें सीखना है, ओके? So let's start from here. An adverb adds something more to the meaning of a verb. Repeat. An adverb adds something more to the meaning of a verb. Adverb के पहले आपने adjective सीखा था, याद है कि नहीं याद? You have learned about an adjective. So, adjective में क्या था? An adjective adds something more to the noun. Adjectives nouns को help करते थे. उसमें add करने से nouns पता है ना? Nouns में हम कुछ add करते थे, describe करते थे वो nouns को. जैसे कि I have a red pen. तो red क्या था? Adjective था. और pen क्या था? तो वो nouns था. तो ये describe noun. यहाँ पे क्या है? जो adverb है, वो किसे किसे वो डिस्क्राइब करते हैं? तो वो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को. सो एन एडवर्ब एड समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. अंडरस्टूड? सो जैसे जैसे आप आगे सीखेंगे आपको समझ में आएगा. सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स? सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? यू हैव टू से लाइक दैट एन एडवर्ब एड समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. एंड हाउ मेनी एडवर्ब्स आर देयर? सो देयर आर फोर टाइप ऑफ एडवर्ब्स. व्हिच आर द एडवर्ब्स? कौन कौन से हैं? तो यहां पर हमने लिखा है, देखो, नंबर वन, एडवर्ब ऑफ मैनर. नंबर टू, एडवर्ब ऑफ प्लेस. नंबर थ्री में लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम. एंड नंबर फोर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. रिपीट. देयर आर फोर टाइप ऑफ एडवर्ब्स. फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर. सेकेंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड में लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम. एंड फोर्थ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आपको खाली ये याद रखना है, मैनर, प्लेस, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी. आगे सब में तो एडवर्ब आपको ऐड करना ही है. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब? सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एडवर्ब. नंबर वन, एडवर्ब ऑफ टाइम. सेकेंड नंबर, एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड नंबर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमने आगे नहीं बोला. आगे है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो टाइम, प्लेस, मैनर एंड फ्रीक्वेंसी, वो चारों चीज आपको याद रखनी है. सो यहां पर देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो मैनर में क्या आता है? हाउ एन एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या कहता है? हाउ एन एक्शन इज डन. मतलब जो एक्शन है, मतलब पता है एक्शन, वो कैसे हुई, वो क्रिया वो कैसे हुई, वो हमें दिखाता है. It shows us action, how it happened. So example नीचे लिखे हैं, मैं explain करूंगी आपको, तब आपको समझ में आएगा. Second thing है adverb of place. तो adverb of place क्या है? तो where an action is done. Where मतलब कहाँ पे, कौन सी जगह पे ये action हुई है. It shows us about place. और it shows about हाउ, कैसे कैसे हुआ ये. आपको जब किसी को चोट लगी तो कैसे हुई, ये कैसे लगा आपको, होता है कि नहीं? और जो प्लेस है वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है कि ये घटना कहां पर बनी है, कौन सी जगह की. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम. तो वेयर एन एक्शन इज डन, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है? कब ये घटना, कितने बजे बनी, कितना हुआ था, कितना उसने किसी का एक्सीडेंट हुआ है, बराबर. तो आप जाके देखिए तो पूछेंगे कि एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था, क्या टाइम था, तो कुछ नहीं होता, वो है ये व्हेन एक्शन इज डन.
मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट आगे है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या हमें दिखाता है, तो हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन इज डन। कोई क्रिया जब आप करते हो घर में तो वो कभी होती है, मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसमें ज्यादातर हम समटाइम्स, यूजुअली, नेवर, ऐसे वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी उसका मतलब है हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन इज डन, ये घटना कितनी बार बनी, आप कितनी बार करते हो। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल सो यू कैन अंडरस्टूड वेरी इजीली। एग्जांपल देखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट यहां पर लिखा है डॉग्स स्विम, तो ये जो सेंटेंस है उसमें स्विम क्या है, तो स्विम है वर्ब, डॉग्स स्विम, तो डॉग्स स्विम ग्रेसफुली, डॉग्स स्विम करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, तो दे स्विम ग्रेसफुली। तो यहां पर ब्रैकेट में लिखा है स्विम हाउ, तो एरो को फैन रंग में क्या बताता है, एक्शन कैसे होती है, वो घटना कैसे बनती है, तो डॉग स्विम ग्रेसफुली। तो ग्रेसफुली क्या हुआ यहाँ पर, एडवर्ब है, विच इज द एडवर्ब हियर इन दिस सेंटेंस, सो इन दिस सेंटेंस ग्रेसफुली इज एन एडवर्ब, और वो कौन सा एडवर्ब है, तो इट इज अ एडवर्ब ऑफ मैनर, वो कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, सो क्यों मैनर है, क्योंकि वो डॉग स्विम ग्रेसफुली, वो ग्रेसफुली स्विम करते हैं, प्लेफुली वो वर्ड सुना है आपने, तो प्लेफुली क्या है, इट इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मोस्टली जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं हाउ एन एक्शन इज डन, उसमें एलवाई वाले वर्ड ज्यादा आते हैं, ऐसा नहीं कि सभी वर्ड एलवाई वाले हो, लेकिन मोस्टली वर्ड ऐसे होते हैं ग्रेसफुली, प्लेफुली, ऐसे वर्ड हम ज्यादा यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डॉग स्विम, डॉग स्विम इन द पॉन्ड। सेकेंड सेंटेंस देखो, डॉग्स स्विम, डॉग्स तैर रहे थे, तो डॉग्स स्विम इन द पॉन्ड, डॉग्स कहाँ तैर रहे थे, ब्रैकेट में देखो स्विम, कहाँ स्विम कर रहे हैं, तो वेयर एन एक्शन इज डन, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, डॉग्स स्विम इन द पॉन्ड, यहाँ पे प्लेस का नाम दिया है, तो विच इज द नेम ऑफ द प्लेस यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी प्लेस है, तो यहाँ पर जो प्लेस है वो पॉन्ड है, डॉग स्विम इन द पॉन्ड, तो पॉन्ड क्या हुआ, प्लेस हुआ, कौन सा एडवर्ब है, तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या है, कि वेयर एन एक्शन इज डन, वो स्विम कहां कर रहे थे, वेयर, तो दे आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा कि ग्रेसफुली एडवर्ब है, और वो कौन सा एडवर्ब है, तो इट इज अ एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड जो है वो डॉग स्विम इन द पॉन्ड, तो पॉन्ड एडवर्ब है, लेकिन वो कौन सा एडवर्ब है, तो इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी प्लेस का नेम लिखा है, डॉग स्विम इन द पॉन्ड। ओके, आगे देखो नेक्स्ट, डॉग्स स्विम, डॉग्स स्विम द होल डे, डॉग्स स्विम, डॉग स्विम द होल डे। अब यहां पर देखो ब्रैकेट में क्या दिया है, स्विम और वेन, तो वेन क्या है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो क्या होता है, तो वेन, वेन इज एक्शन डन, कब हुई, इट इज रिलेटेड टू टाइम, तो यहां पर टाइम क्या है, होल डे, तो एडवर्ब क्या हुआ, होल डे, वेन इज एक्शन डन, तो डॉग कब स्विम करते हैं, तो डॉग स्विम होल डे, पूरा डे, यहाँ पर टाइम दिया है, सो इन दिस सेंटेंस द होल डे इज एडवर्ब ऑफ टाइम, और वो होल डे क्या है, तो वो एडवर्ब है। नेक्स्ट आगे देखो, डॉग स्विम, डॉग्स ऑफन स्विम विद देयर बेबीज। फर्स्ट सेंटेंस है डॉग स्विम, डॉग स्विम तो करते हैं, लेकिन डॉग्स ऑफन स्विम विद देयर बेबीज, ब्रैकेट में लिखा है स्विम हाउ मेनी टाइम्स, तो यहां पर कौन सा है एडवर्ब, हाउ मेनी टाइम्स मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पूछा है यहां पर कितनी बार, हाउ
मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो ऑफन, मैंने जैसे कहा ना ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, नेवर, ऐसे जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम काउंट करते हैं। सो डॉग स्विम ऑफन विद देयर बेबीज, तो यहां पर ऑफन जो है वो एडवर्ब है, लेकिन वो कौन से टाइप का एडवर्ब है, तो इट इज अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आया समझ में आपको? तो सबसे पहले हमने सीखा एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब डॉग स्विम ग्रेसफुली, तो यहां पर ग्रेसफुली क्या था एडवर्ब, और कौन सा एडवर्ब था, तो इट इज अ एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड हमने देखा डॉग स्विम इन द पॉन्ड, यहां पर प्लेस का नेम लिखा है, यहां पर पॉन्ड जो है वो एडवर्ब है, क्यों, बिकॉज इट शोस द प्लेस, इसीलिए उसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। नीचे देखो थर्ड वन, डॉग स्विम द होल डे, तो यहां पर क्या है एडवर्ब ऑफ व्हेन है ये, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम, कब वो स्विम करते हैं, तो दे स्विम द होल डे, होल डे क्या है, तो इट इज कॉल्ड एडवर्ब, एंड कौन सा एडवर्ब है, तो इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके नीचे है डॉग्स ऑफन स्विम विद देयर बेबीज, सो यहां पर ऑफन जो है वो एडवर्ब है, लेकिन वो कौन सा एडवर्ब है, सो इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितनी बार। तो यहाँ पर अलग अलग जो एडवर्ब्स है मैंने आपको समझाए, डिटेल में भी हम आगे सीखेंगे। ओके, सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक विद द गुड हैंड राइटिंग।